Very good morning to the students of class LKG. Welcome to the activity book class student here. Before starting the class, I would like to give you a notice for Saturday. That Saturday the results will be given for the unit test, which was conducted on the online. And you have to deposit your copy also on Saturday. Please deposit your books as well as your copies. You deposit your activity book also, so that we may check all the works what you have done. And the offline paper, I presume that which was given for the unit test, you have deposited for the result to be conducted. सो जितने भी बच्चे हैं इनको ये नोटिस कराया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ शनिवार को आके अपने कॉपीज को डिपॉजिट कर दें, अपने रिजल्ट्स भी लेके जाए. ओके, और हो सके तो जो मंथली फीस है काइंडली क्लियर कीजिए, सो दैट वी कैन पे टू आवर स्टाफ्स हु आर वर्किंग फॉर यू इन द COVID-19. So with this announcement, I would resume my classes. Student, in the previous classes, हम लोगों ने क्या किया था? The sound of A, okay? A, E, I, O, U, जो हमारी vowels हैं, उसमें से कितनी सारी words बनती हैं, वो हम लोगों ने देखा था. जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 40 और 41 किए थे, isn't it? तो इसमें क्या क्या चीज हम लोगों ने देखा था? Car, cat, tap, hat, cap, van, map, mat, bat, ant, jam, bag, rat, man, star और आपका fell. तो इन सभी में कॉमन क्या था? A. ओके, A वर्ड जो कि बी, A लेटर जो कि बीच में आती है वर्ड्स के. आज हम लोग क्या करेंगे? साउंड ऑफ ई. साउंड ऑफ ई हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारी प्रोनाउंसिएशन है जब हम इसको बोलते हैं. तो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है? वी हैव टू प्रैक्टिस टुडे राइटिंग द वर्ड्स विच साउंड विच हैज अ साउंड ऑफ एन ई. ओके, लाइक यू हैव टू व्हाट द एक्सरसाइज हैज बीन गिवन टू यू इन द बुक. बुक में आपकी एक्सरसाइज दी गई. देयर आर द डिफरेंट पिक्चर्स गिवन. सो वी आर डूइंग पेज नंबर 42 एंड 43. सो आई हैव कंबाइंड ऑल द पिक्चर्स इन दिस बोर्ड. And in the one side, I've kept page number 42 plus page number 43, as well as in the left-hand side also, page number 43 picture has been kept. So now what you have to do, you have to identify the pictures and you have to write it down in the space provided in the box, okay, which is your four line. So you sharpen your pencil first and then we'll write. So the first picture indicates of your hand. So we see now the common term here is what? E. Okay, so H E N hand. So this is a sound of E. तो किस तरह से, जिस तरह से हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कार, बार, मैट, अब हम पढ़ेंगे ई. ई में साउंड ऑफ ई को देखेंगे कि किस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन है. तो लेट्स राइट डाउन हियर द स्पेस व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस. H E N hand. यहाँ पर भी ई है आपका कॉमन. पी ई एन पैन. उसके बाद क्या है? नेट. ई कॉमन है यहाँ पे. एन ई टी नेट. उसके बाद बी ई डी बैग. यहाँ पर ई कॉमन. बी ई डी बैग. ठीक है. उसके बाद एग. यहाँ पे ई कॉमन है आपका. ई डबल जी एग. उसके बाद लेग. ई कॉमन है आपका. एल ई जी लेग. उसके बाद लीफ. आप देखिए एल ई एफ लीफ. आपको लाइन से बाहर नहीं लिखनी है. यू हैव टू राइट डाउन विद इन द लाइंस. उसके बाद द नेक्स्ट पिक्चर है किसकी? बियर की. तो वी विल राइट डाउन बी ई ए आर बियर. ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने लिखा बियर. उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या है हमारा? बेल. बी ई डबल एल बेल. यहाँ पे की कॉमन है आपका. ईयर. ये हमारा कान है. ईयर में ई कॉमन. ई ए आर ईयर ईयर. उसके बाद टेन. टी ई एन टेन. दिस इज द फिगर ऑफ अ टेन. एंड देन पी. पी ई ए पी. पी ई ए पी. यहाँ पे हम लोग टेन लिख दें. टेन लिखना भूल गए थे. ओके, टेन. उसके बाद ये क्या है? वेल. दिस इज वेल. तो डब्ल्यू ई डबल एल वेल. यहाँ पे ई कॉमन वेल. तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने किया इस एक्सरसाइज को. हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने देखा जो पिक्चर्स अवेलेबल है इस पिक्चर्स को हम लोगों ने भरना. एक और पिक्चर छूट गई है. क्या है आपका? की.
ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन के समय हमें ज़्यादा प्रेशराइज क्या किया जाता है, द टर्म ई. ओके, तो ई पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक पी ई एन पेन, एच ई एन हैन, एन ई टी नेट, बी ई डी बेट, ई डबल जी एग, एल ई जी लेग, एल ई ए एफ लीव. तो देखा आपने, ई पर हम लोगों के ज़्यादा प्रेशराइज होती है बोलने के समय. बियर, बी ई ए आर बियर, के बी ई डबल एल बेन, ई ए आर ईयर, टी ई एन टेन, पी ई ए पी, डब्ल्यू ई डबल एल वेन, एंड द लास्ट वन इज वॉट, के ई वाई की. तो इस तरह से हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे और इसको लाउडली बोलने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंट पिक्चर. सो द फर्स्ट पिक्चर सेज अबाउट हैन. हैन मतलब मुर्गी है आपका. पेन मतलब कलम हुआ. नेट मतलब आपका नेट कहेंगे, जाल कहेंगे. बेड बिस्तर कहेंगे. एग मीन्स अंडा कहेंगे. लेग मीन्स पैर कहेंगे. लीव मीन्स पत्ते कहेंगे. बियर्ड मीन्स भालू कहेंगे. बेल मीन्स घंटी कहेंगे. ईयर मीन्स आपके सेंस ऑर्गन, जिसको हम लोग कान कहेंगे. टेन दस कहेंगे, जो गिनती में एक दो तीन चार से दस तक गिनती करते हैं तो उसको दस कहेंगे. पी मतलब मटर कहेंगे. वेल कुआं कहेंगे. और की चाबी कहेंगे. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पेज नंबर 42 और पेज नंबर 43. आप इस पेज में सुंदर से हैंडराइटिंग बना के अपने पेरेंट्स की मदद से लिखेंगे और इस पेज और 43 को कंप्लीट कर लेंगे. ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ई का ही एक्सरसाइज देखेंगे और पेज नंबर 45 में भी उसी का एक्सरसाइज देखेंगे. ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और समझिए और वॉवल्स में किस तरह से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को, उस पर ध्यान देंगे और उससे सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि दिस इज अ बेल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पी, दैट इज अ वेल, तो दिस दैट के मदद से आप छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.